हेलो एवरीवन, शेफ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए हम 1/2 kg नूडल्स लेंगे। ये बने बनाए पैकेट आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। 1 tablespoon अदरक लेंगे, जिसे मैंने जुलियंस में कट कर लिया है। 1 tablespoon से ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे, इसे भी जुलियंस में कट कर लेंगे। और 1 large size की प्याज लेंगे, जिसे मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है। 250 ग्राम पत्ता गोभी लेंगे। 1 cup कैप्सिकम लेंगे, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, इस तरह जुलियंस में पतला पतला। और 1 cup ही हम गाजर लेंगे, इसे भी हम पतला पतला जुलियंस में कट कर लेंगे। 1 पतीले में पानी बॉईल करेंगे। मैंने पहले से ही पानी बॉईल कर लिया है। 1.5 से 2 liter पानी मैंने बॉईल किया है और इसमें डालेंगे 1 tablespoon नमक और इसी के साथ डालेंगे अपनी नूडल्स। इसे हल्का सा आप तोड़ लीजिए, ज़्यादा नहीं तोड़ना है, नूडल्स लंबे लंबे ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें अपनी नूडल्स डाल देंगे। और अब इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें 1 tablespoon ऑयल। ऑयल डालने से हमारे नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। नूडल्स को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमें। 80-90% तक हम इसे कुक करेंगे। जब ये हल्का सा कच्चा रह जाए तब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद करते हैं। एक फोक की हेल्प से हम इस तरह इसे खोल लेंगे ताकि नूडल्स चिपके नहीं एक दूसरे से। और अब इसे पंखे में हम थोड़ा सा फैला कर रख देंगे। एक कढ़ाई या पैन गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 3 tablespoon ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। 10 सेकेंड के लिए सौते करेंगे और उसी में डालेंगे हम प्याज। प्याज डालने के बाद हमें 30 सेकेंड इसे सौते करना है। 1/2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे कैबेज और इसी के साथ डालेंगे गाजर। और 1 मिनट तक हम सब्जियों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो सब्जियों को क्रंची भी रख सकते हैं। 1.5 मिनट हो गया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसे सौते कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम डालकर हम इसे 30 सेकेंड और सौते करेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स हो गए हैं, गैस की फ्लेम स्लो करते हैं और अब इसमें डालेंगे 2 tablespoon विनेगर। फोर टेबल स्पून लाइट सोया सॉस, अगर आप डार्क सोया सॉस डालें तो 3 tablespoon ही डालें। 1 tablespoon चिली सॉस, 1 tablespoon टमाटो सॉस और साथ ही डालेंगे 1 teaspoon नमक। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने नूडल्स को जब बॉईल किया था तब भी डाला था नमक, तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नूडल्स अपने ऐड कर देंगे और अब इन्हें मिक्स करेंगे। आप इस तरह फोक की हेल्प से मिक्स करें, इसे इजीली मिक्स होगा। ये इस तरह से फोक की हेल्प से और स्पैचुला की हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हमारी वेज चाउमीन तैयार है, इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।